मैन इज 27 ईयर यंगर देन जे, इन 10 ईयर जे विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ए, हाउ मैनी ओल्ड विल जे बी इन 7 ईयर। तो बड़ा अच्छा सवाल हो गया ये, 7 साल बाद जे कितने का होगा। देखो ये जो दिए हुए है ना, ये जे प्लस 7 की वैल्यू दी हुई है, यानी जे की आज से 7 साल बाद 17, 44, 24 और 51 तो हम क्या करेंगे, सब में से 7 माइनस करेंगे। 17 में से 7 माइनस किया 10, 44 में से किया 37, 24 में से किया 17। देखो ये दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इन पर हम ज़ाया नहीं करेंगे टाइम, क्योंकि 27 साल छोटा होना चाहिए, का फ़र्क है दोनों में, तो माइनस में चली जाएगी एज। 34, 7 और 44 हो सकता है। अब 10 साल बाद, यानी जे की एज में 10 साल प्लस करें तो ये 47 या 54, ये ए का डबल है, तो इसका लगभग एज का हाफ होगा। चेक कैसे होगा, 27 का फर्क होना चाहिए, जो किस ऑप्शन में, इस वाले में। तो करेक्ट आंसर होगा 51, यानी आज अभी देखो, अभी जो इस वक्त प्रेजेंट एज है 44 होगी उसकी, ठीक है। अच्छा देखो और कैसे चेक हो जाएगा, ये ए की भी 10 साल बाद की एज हो गई ना, तो ए अभी कितने का होगा, ऑफकोर्स 17 का होगा। 44 और 17 फर्क कितने का चल रहा है, 27 साल का चल रहा है। 10 साल बाद ये 54 हो गया, ये 27 हो गया, फर्क तो हमेशा सेम रहता है ना 27 साल का। तो और 7 साल बाद उसकी जो एज होगी, 44 में 7 प्लस करो, वो पूछी थी 51,